और उपनिषद को जब आप तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो उप और निषद में करते हैं। उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना, मतलब हो गया समीप बैठना। सवाल यह है कि किसके समीप बैठना, किसके समीप बैठना? तो गुरु के समीप बैठना। तो किस लिए बैठना? गुरु के समीप बैठना किस लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप बैठते हैं गुरु के समीप। कैसा ज्ञान? कैसा ज्ञान भाई? ज्ञान कैसा? तो भाई रहस्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। रहस्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं, यह उपनिषद का मूल अर्थ है। और इस उपनिषद से शाहजहां का पुत्र, नाम सुना होगा दारा शिकोह का, दारा शिकोह, वो उपनिषदों से इतना प्रभावित था कि उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवा दिया, है ना, जिसका नाम था सिर ए अकबर। नहीं, सिर ए अकबर, ये 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद था, दारा शिकोह ने किया। बहुत प्रभावित था वो उपनिषद से। नहीं तो सीधे आप एंशियंट पढ़ के केवल पहुंच गए दारा शिकोह, जबकि दारा शिकोह आएगा करेक्टर जब मध्यकाल पढ़ाएंगे तो। नहीं तो उपनिषदों का काम था कि भाई ब्रह्मा, ब्रह्म परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार करवाया जाए।